इस समय हम आ पहुँचे हैं अंबिकापुर से 100 किलोमीटर दूर लफरी जलप्रपात में। बारिश का ये मौसम है और ऐसे में काफ़ी तेज बहाव है। रेण नदी और महान नदी, इन दो नदियों का पानी बहता हुआ ये आगे जाके पंडित गोविंद वल्लभ पंत सागर का निर्माण इसी में हुआ है आगे रेणुकूट के पास। और ये रेत के टीले, पहाड़, पत्थर, काफ़ी फैलाव है इस जगह में। काफ़ी बड़ा ये झरना है लफरी घाट का। अंबिकापुर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है ये जगह। बहुत आसानी से इस जगह पर पहुंचा जा सकता है लफरी। आप देख रहे हैं ये झरना।